बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको स्कीम 33 का बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट विज़िट करवाने के लिए लाए हैं, जो कि मेन सुमेरा चौक पे वाक़ है। अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल देता चलूँ कि सुमेरा चौक कहाँ पे है। सुमेरा चौक जमाली पुल के बिल्कुल नज़दीक, हाईवे से जमाली पुल से बिल्कुल नज़दीक, और इसका एक रोड जा रहा है सफूरा चौक की तरफ। ठीक है, एक रोड सफूरा चौक की तरफ, दूसरी तरफ आप जमाली पुल है, एक रोड इसका जा रहा है पंजाबी सौदागरान फेज़ वन, और एक रोड जा रहा है क्वेटा टाउन और कराची यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये बहुत ही क्राउडेड और अच्छी जगह है, यहाँ पर आबादी काफ़ी हो चुकी है। इसके अतराफ में बिल्डर के बहुत, दो तीन बिल्डर्स के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें सुमेरा स्काई टावर सारनिया कॉर्नर वाके, और इस प्रोजेक्ट का नाम जो हम आपको विजिट कराने लगे हैं, ये है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह अनकरीब आपको वो भी विजिट कराएंगे, लेकिन आज हम आपको फेडरल गवर्नमेंट के अपार्टमेंट विजिट कराने के लिए लाएँ। ये फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंडर में आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे, आप फ्रंट से इसका एलिवेशन देख सकते हैं। ग्राउंड प्लस 8 की ये बिल्डिंग है, जिसका बेसमेंट पार्किंग पे दिया हुआ है। इसके अंदर बिजली है, पानी है, गैस अभी फिल वक्त आई नहीं है, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएगी। अब मैं आपको ये इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, दे देखें, ये 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट है, जिसके अंदर 4 डावर हैं, और इसके अंदर मैं आपको फ्लैट की जो कैटेगरी है वो मैं आपको बता चलूँ कि 2 बेड लॉन्च, 2 बेड DD एंड 3 बेड DD अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, इनके जो अपार्टमेंट के रेट हैं, जो आप अतराफ में बिल्डर प्रोजेक्ट देखेंगे ना, उनके मुकाबले में बहुत अच्छा है। जिस तरह मिसाल है कि यहाँ का 2 बेड लॉन्च जो मिल जाता है, वो आज आपको 60 लाख रुपए के अराउंड में मिल जाता है, लेकिन और इसका 2 बेड DD आपको मिल जाता है वो तकरीबन 65 to 70 लाख रुपीस तक का, और 3 बेड DD आपको मिल जाता है अप्रोक्स 90 लाख to 1 करोड़ रुपये तक का मिल जाता है अतराफ में। लेकिन आप कंपेरिजन करेंगे इसको दूसरे बिल्डर प्रोजेक्ट से, तो वहाँ पर समझ लें कि वहाँ पर 2 बेड लॉन्च जो मिलता है वो तकरीबन आपको मिलता है 75 लाख 80 लाख का, 2 बेड DD आपको मिलता है 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का, और 3 बेड DD आपको मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 25 से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक का। ये है, तो आप समझ लें कि ये बड़ा इसका ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है कि इस बजट के अंदर जो आपको मैंने बताया कि 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के आपको कैटेगरी वाइज 2 बेड लॉन्च, 2 बेड DD और 3 बेड DD बआसानी मिल जाता है। और ये जो अपार्टमेंट आता है, ये फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में आता है, तो बहुत ही मजबूत अपार्टमेंट है। पेपर वर्क में भी ये मजबूत अपार्टमेंट है। और दूसरा, इस अपार्टमेंट में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है। हर टावर के अंदर इसकी 2 सेपरेट अपनी प्राइवेट एलिवेटर है, हर अपार्टमेंट के अंदर 2, और इसी तरह हर अपार्टमेंट के अंदर 2 सेपरेट स्टेयर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो सब टावर्स की अलग अलग हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका आपको एलिवेटर दिखा रहा हूँ, लिफ्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको उसकी। इतनी ज़बरदस्त और अच्छी ब्रांडेड लिफ्ट इस्तेमाल हुई हुई है, अच्छा स्पेस है लिफ्ट का, लिफ्ट बहुत अच्छी लगी हुई है। ये आपको, आप देखें इसकी लॉबी है, कितनी वाइड लॉबी है, कितनी यूज है, हवादार एरिया कितना रखा हुआ है, ये आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही हवादार यूज एंड वाइड लॉबी है। अपार्टमेंट का एलिवेशन भी अच्छा है, बहुत बड़ा हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है, ग्राउंड प्लस 8 का छोटा और एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये आपको इसका पार्किंग स्पेस दिखा रहा हूँ, हर फ्लैट की अपनी सेपरेट बाइक एंड कार पार्किंग है। ये देखें आप इसके अपार्टमेंट को देख सकते हैं, ज़बरदस्त अपार्टमेंट है। 4 साइड कॉर्नर, 4 टावर मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए कि 4 टावर हैं इसके अंदर। इस अपार्टमेंट की और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपको घर बैठे मालूमात दे सकें, और हमारे दिए गए नंबर्स पर भी रابطہ करें। थैंक यू।